सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं राजकीय हाई स्कूल गंगरवा आगरा से विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती नेहा अग्रवाल आज आप सभी को कक्षा दसवीं का अध्याय हमारा पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ, जो जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है और ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में अध्याय 15 है। पाठ को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं किन मुख्य शिक्षण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पारितंत्र की, जिसमें हम इसके प्रकार व इसकी संरचना को समझेंगे। उसके बाद हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैविक आवर्धन, अपशिष्ट पदार्थ व ओजोन परत तथा उसके क्षय को भी समझेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हम सभी अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण एक ऐसा आवरण है जो जीव को चारों ओर से घेरे हुआ है, उसके चारों ओर उपस्थित है और उसकी जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें वो सभी तत्व, वो सभी दशाएं सम्मिलित हैं जो जीव के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हम ये भी जानते हैं कि पर्यावरण में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इन्हीं जैविक और अजैविक घटक की एक दूसरे पर परस्पर जो निर्भरता होती है, जो संबंध होता है, उसी को हम कहते हैं पारितंत्र, जो क्या है, एक हमारा स्वचालित समुदाय है जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ, किसी स्वचालित समुदाय में जीवधारियों यानी जंतुओं तथा पौधों तथा उनके निर्जीव वातावरण की एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता, बहुत इंपॉर्टेंट, परस्पर निर्भरता को पारितंत्र कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ये पारितंत्र कितने प्रकार के हैं। पारितंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक, नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित पारितंत्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र। अब ये भी पारितंत्र हमारे कितने उसमें विभाजित है, दो वर्गों में, जलीय जो जल में उपस्थित है और स्थलीय जो यानी कि स्थल पर उपस्थित है। अगर जलीय पारितंत्र की बात करें तो हम जानते हैं जल एक तो हमारा स्वच्छ होता है और एक समुद्र का खारीय जल होता है, तो उसी आधार पर ये जो जलीय पारितंत्र है ये भी हमारे दो भागों में विभाजित है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र और समुद्री जलीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अगर हम उदाहरण देखें तो तालाब हो गया हमारा, नदी हो गया, झील, झरना और पोखर इत्यादि। और अगर समुद्री जलीय पारितंत्र की बात करें तो समुद्र हो गया हमारा, ज्वारीय भाग हो गया और हमारा तटीय भाग हो गया। अगर स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो इसके उदाहरण में क्या क्या आएंगे, हमारे जैसे घास के मैदान हो गए, वन हो गए हमारे यानी फॉरेस्ट, और हमारा क्या हो गया, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। अब बात करते हैं कृत्रिम पारितंत्र। यहाँ पर क्या था, प्रकृति ने स्वयं निर्मित किए पारितंत्र थे जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन कृत्रिम पारितंत्र ऐसे पारितंत्र होते हैं जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण हो गया बगीचे, जल जीवशाला, एक्वेरियम, हम अक्सर देखते हैं एक शोपीस के रूप में भी कहीं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ये रखा हुआ होता है। खेत, कोई भी खेत हो सकता है, आपका गेहूं का खेत हो सकता है, आपका धान का खेत हो सकता है, और वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। अब हम पढ़ते हैं पारितंत्र की संरचना। पारितंत्र की संरचना दो घटकों से मिलकर हुई है, पहला घटक है हमारा जैविक घटक और दूसरा घटक है हमारा अजैविक घटक। जैविक घटक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यानी कि पारितंत्र का जीवीय समुदाय, और अजैविक घटक यानी पारितंत्र का निर्जीव वातावरण। हमारा जो जैविक घटक है इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया है, सबसे पहला है हमारा उत्पादक, दूसरे नंबर पे उपभोक्ता और लास्ट में है हमारा अपघटक या फिर जिसे हम कहते हैं अपमार्जक। उत्पादक,
ये हमारे स्वयं पोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो वही लिखा है यहाँ, ये वह स्वयं पोषी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले स्वयं पोषी जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो हरे पादप हम सभी जानते हैं, जब हमने बायो का पहला पाठ जैव प्रक्रम पढ़ा था तो वहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी थी, वहां बताया था कि इनके पास क्या होता है, पर्ण हरिम, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। और दूसरा इसका उदाहरण है नील हरित शैवाल। अब हमारे दूसरे आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता वो है, वो परपोषी जीव है जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, स्वयं पोषी जीव पर, यानी कि उत्पादक पर। तो वही लिखा है, ये वे परपोषी जीव हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है परपोषी, और ये कौन थे हमारे स्वयं पोषी, ये वे परपोषी जीव हैं जो पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। अब ये उपभोक्ता भी हमारे तीन श्रेणी में विभाजित है। नंबर फर्स्ट हमारा है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, दूसरा हमारा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, और तीसरा है हमारा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता को हम कहते हैं मांसाहारी, और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता को हम कह सकते हैं सर्वाहारी। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, शाकाहारी जो डायरेक्ट अपने भोजन, जो अपना फूड है वो कहाँ से लेते हैं, यानी उत्पादकों से, यानी कि हरे पादक से। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो हम सभी जानते हैं इनका उदाहरण क्या हो सकता है, गाय हो सकता है हमारा, बकरी हो सकता है हमारा, हिरण हो सकता है हमारा, हाथी हो सकता है, चूहा हो सकता है, इत्यादि। और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी, ये वे जीव है जो शाकाहारी जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये किन पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। अगर हम द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के उदाहरण की बात करें यानी कि मांसाहारी की बात करें तो हम सभी जानते हैं शेर, कुत्ता, बिल्ली, चीता इत्यादि, ये सब हमारे क्या उदाहरण है, हमारे मांसाहारी के, मेढक भी लिख सकते हैं हम इत्यादि। अगर हम तृतीय श्रेणी उपभोक्ता की बात करें सर्वाहारी, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पादप से भी और जंतुओं से, यानी ये इन पे भी निर्भर करते हैं और ये हमारे इन पे भी निर्भर करते हैं। और इनका उदाहरण क्या होगा, जैसे हमारा मानव हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा हमारा जो गिद्ध होता है वो भी हमारा किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा, और हमारा बाज हो गया, हमारा भालू हो गया इत्यादि। अब तीसरा जो हमारा जैविक घटक का वर्ग है वो है अपघटक या फिर अपमार्जक। ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत पादप या जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, उनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़कर ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो वही लिखा है यहाँ, ये वे जीव हैं जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण की बात करें तो जीवाणु हो गया हमारा, कवक हो गया, और क्या हो गया हमारा, केचुआ। अब हमारा जो पारितंत्र है उसमें इन मार्जकों की बहुत अहम भूमिका है। ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं जटिल, उनको सरल में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ बने, ये क्या करते हैं, हमारे भू रासायनिक चक्र में भाग लेते हैं और पादप इन्हें पुनः क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह को साफ कर रहे हैं जिससे नई पीढ़ी को ये स्थान उपलब्ध करा सके। अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं निर्जीव वातावरण, तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, खनिज लवण आ गया हमारे
हमारा प्रकाश आ गया, जल, वायु, तापमान, मृदा और कार्बनिक पदार्थ जैसे कि वसा हो गया हमारा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आहार श्रृंखला या फिर जिसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला यानी कि चेन, तो ये एक ऐसी श्रृंखला है, एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जो हमें ये बताती है कि कौन सा जीवधारी कौन से जीव को अपने भोजन के रूप में उपभोग कर रहा है। तो वही लिखा है यहाँ, किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी को खाद्य के रूप में उपभोग करने की प्रक्रिया की क्रमबद्ध श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रमबद्ध श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। अब ये जो हमारी आहार श्रृंखला है, आवास के आधार पर इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थलीय, यानी स्थल में पाई जाने वाली आहार श्रृंखला, और दूसरी जलीय, यानी कि जल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला। अगर हम इनका उदाहरण देखें तो मान के चलते हैं जैसे कि घास, घास को किसने खाया, हमारे टिड्डे ने खाया, किसने खाया, हमारा टिड्डा, और टिड्डे को किसने खा लिया, हमारे मेंढक ने, किसने खा लिया, मेंढक ने, और मेंढक को किसने खाया, सर्प ने, और सर्प को आखिर में किसने खा लिया, बाज ने। तो ये स्थल पे पाई जाने वाली है, तो ये हमारी स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण हो गया। अगर हम दूसरा ही उदाहरण ले इसका, तो हम देखें घास है या पादप हम लिख सकते हैं, उसको किसने खाया, हमारे हिरण ने खाया, और हिरण को किसने खा लिया, हमारे शेर ने खा लिया। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, हमारा स्थलीय आहार श्रृंखला। अगर हम जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देखें तो मान के चलते हैं शैवाल, शैवाल को किसने खा लिया, हमारा जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, आप सभी जानते हैं प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा वगैरह। अब प्रोटोजोआ को किसने खा लिया, हमारी जो हमारी छोटी मछलियां हैं, हमारी छोटी मछली ने, और छोटी मछली को हमारे, जैसे छोटी मछली में हमारी रोहू आ सकती है, और फिर इस छोटी मछली को अंत में किसने खा लिया, बड़ी मछली जैसे कि शार्क ने। तो ये किसका उदाहरण हो गया, हमारा जलीय खाद्य श्रृंखला का। इसके बाद हम पढ़ते हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य। लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा है इसका उपयोग करने की क्षमता केवल और केवल किसमें होता है, हमारे जो उत्पादक होते हैं उनमें होता है। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को ये क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में। तो इसी को हम कहते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। आप ये जो विभिन्न चरण देख रहे हैं, ये जो आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण कह लीजिए या स्तर कह लीजिए, इन्हीं चरणों को, इन्हीं स्तरों को हम कहते हैं पोषण स्तर। क्या कहते हैं हम, पोषण स्तर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो स्थानांतरण हो रहा है हमेशा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, हमारा उत्पादक से उपभोक्ता, यानी जो हमारे उत्पादक हैं उनसे हमेशा कहाँ की ओर हो रहा है, हमारे जो उपभोक्ता होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो स्थानांतरण है कैसा होगा, एक दिशीय, यूनिट डायरेक्शनल, एक दिशा में होने वाला। ऊर्जा प्रवाह में सूर्य से जितनी ऊर्जा मिलती है पादप जो होते हैं, यानी कि उत्पादक, वो केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं, 1%। और लिंजमान ने एक नियम दिया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा क्या होती है, जीव के स्वयं के क्रिया
क्रियाकलापों जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, उसमें क्या हो जाती है? व्यर्थ। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? प्रथम पोषी स्तर हो गया, क्योंकि विभिन्न चरणों को हमने पोषण स्तर कहा था, तो ये प्रथम पोषण स्तर हो गया, ये हमारा द्वितीय पोषण स्तर और ये तृतीय। तो यहाँ से भी ऊर्जा का कितना स्थानांतरण होगा? 10%। अब इस वाले पोषी स्तर से यानी द्वितीय से तृतीय में कितना होगा हमारा? 10%। मान के चलते हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं कि सूर्य ने हमारे पौधों को कितनी ऊर्जा दी, लगभग 10,000। अब 10,000 जूल का पेड़ पौधे केवल कितना प्रतिशत उपभोग करेंगे? 1%। तो हम इसका निकाल लेते हैं 1%। तो यानी कि कितना आया पादपों के पास? 100 जूल ऊर्जा। अब इस 100 जूल का प्रथम पोषी स्तर से द्वितीय पोषी स्तर पर कितनी जाएगी? 10% ऊर्जा। अब हम इस 100 जूल का हम 10% निकाल लेते हैं, तो कितनी बची हमारी है? 10 जूल। अब फिर से इस 10 जूल का उसके अगले पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा जाएगी? 10%। तो अगर हम 10 जूल का 10% निकालें तो हमारी ये कितनी हो गई? हमारी दर हमारी 1 जूल ऊर्जा हो गई। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते चले जाएंगे ऊर्जा वैसे वैसे घटती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं आहार श्रृंखला जितनी बड़ी होगी उसके आखिर में जो लास्ट में हमारा उपभोक्ता होगा उसे सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि आहार श्रृंखला 3 या 4 चरण की ही होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि ऊर्जा है वो आखिरी उपभोक्ता तक भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। अगर इससे बड़ी हो जाएगी, अधिक लंबी हो जाएगी तो क्या होगा? हो सकता है जो सर्वोच्च उपभोक्ता हो, जो आखिर का उपभोक्ता हो, उसको इतनी कम ऊर्जा मिले जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त ना हो। अब एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर इन आहार श्रृंखला में से मैं किसी एक पोषी स्तर को हटा दूं, मान के चलूं मैं ये सारे हिरण को यानी कि जो हमारा द्वितीय पोषी स्तर है उसको हटा दूं, तो क्या होगा? अगर मैं इसको हटा दूंगी तो क्या होगा? घास बहुत ज्यादा हो जाएगी, घास को खाने के लिए हिरण नहीं होंगे, और हिरण नहीं होंगे तो हमारे शेर भी भूखे मर जाएंगे। अगर मैं घास को हटा दूं तो क्या होगा कि सारे के सारे हिरण भूख से मर जाएंगे, और जब हिरण नहीं होंगे तो हमारे शेर मर जाएंगे। यानी कि किसी भी पोषी स्तर को हटाने से हमारे पारितंत्र में क्या आ जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। इसलिए एक भी पोषण स्तर को हम बिना दूसरे पोषण स्तर को प्रभावित किए बिना हटा नहीं सकते। यानी किसी एक पोषी स्तर को हटाने पर हमारी पूरी जो आहार श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, और पारितंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। अगर हम आहार श्रृंखला की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्या करता है? ये हमारे खाद्य पदार्थ या फिर हम कहें ऊर्जा के स्थानांतरण को गतिशीलता प्रदान करता है। साथ ही आहार श्रृंखला किसी जगह पर क्या बताती है कि जीवों में उनकी आपस में कैसी निर्भरता है। हम जानते हैं हमारे पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। जब ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ये क्या बना लेती हैं? एक जाल बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। तो वही लिखा है, किसी भी पारितंत्र में उपस्थित अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बने जटिल जाल को खाद्य जाल कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो देखते हैं, मान के चलते हैं हम पौधे या फिर पादप, इसको किसने खाया? खरगोश ने खा लिया। किसने खा लिया? मान के चलिए खरगोश ने। अब खरगोश को किसने खा लिया? हमारे बाज ने। किसने खा लिया? हमारे बाज ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पौधे को कौन खा ले? चूहा भी खा सकता है। दूसरी खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, पौधे को किसने खा लिया? चूहे ने। और चूहे को किसने खा लिया? हमारे बाज ने। अब और भी खाद्य श्रृंखला हो सकती है, पौधे को मान के चलते हैं हम किसने खा लिया? टिड्डे ने खा लिया। और टिड्डे को किसने खा लिया? हमारे मेढक ने खा लिया। मेढक को किसने खा लिया? हमारे
सर्प ने खा लिया मान के चला, और अंत में सर्प को किसने खा लिया, बाज ने। ये भी हो सकता है कि पौधे को कुछ बीज खाने वाले पक्षी खा ले, बीज खाने वाले पक्षी खा ले, और इन पक्षी को डायरेक्ट कौन खा ले, बाज खा ले। या ऐसा भी हो सकता है चूहे को पहले बाज ना खा के क्या खा ले, एक सर्प खा ले, फिर सर्प को बाज खा ले। तो आप देख रहे हैं विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से एक ये जटिल जाल सा बन गया है, इसी जाल को हम कहते हैं खाद्य जाल। अगर हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर करें तो आप देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो जीव थी उनकी जो संख्या थी वो एक तरीके से सीमित थी, 3, 4 या 5, और जबकि एक खाद्य जाल में जीवों की क्या हो सकती है, बहुत अनगिनत संख्या हो सकती है। और तो और खाद्य श्रृंखला में कोई एक जीव एक ही पोषी स्तर पर रहता था, जबकि खाद्य जाल में क्या है कि कोई एक जीव विभिन्न श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषी स्तर पर आ सकता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, इस सर्प की बात करूं, तो आप देखेंगे अगर मैं इस वाली खाद्य श्रृंखला को लूं तो यहाँ पे ये कौन से हमारा तृतीय उपभोक्ता पे है, और अगर मैं ये वाली खाद्य श्रृंखला को लूं तो आप देखेंगे ये हमारा कौन सा उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता। और तो और एक अंतर ये भी है कि खाद्य श्रृंखला में जो हमारे ऊर्जा का जो प्रवाह था वो कैसा था, एक दिशीय, और यहाँ पे कैसा है, बहुपथीय, यहाँ भी जा रही है, मतलब जो भोज्य पदार्थ है वो यहाँ भी जा रहा है। तो यही हमारे क्या हो गए, कुछ मुख्य अंतर। जैविक आवर्धन, ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें हानिकारक रसायन का जो सांद्रण होता है प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ता चला जाता है। तो वही लिखा है, जब कोई हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक पोषी स्तर में बढ़ता जाता है। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक खाद्य श्रृंखला दिखाई है, हरे पादप, उसको किसने खाया, बकरी ने, और बकरी को किसने खा लिया, मनुष्य ने। अब हरे पादप में जो रसायन है वो कैसे पहुंचा होगा, जल और मृदा के माध्यम से, और जब ऐसे पादप को बकरी ने खाया तो बकरी के शरीर में भी वो रसायन चला गया, और जब सर्वाहारी मनुष्य ने ऐसी बकरी को खाया या पादप को भी ले लिया, अनाज को खाया, तो वो रसायन उसके शरीर में भी प्रवेश कर गया। लेकिन सांद्रण जो इसका प्रभाव होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, मनुष्य में सबसे अधिक, और सबसे कम किस में होगा, आपके जो है पोषी, जो मतलब स्वयं पोषी है, जो हरे पादप, इनमें इसका जो सांद्रण होगा सबसे कम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपशिष्ट पदार्थ। हम सभी जानते हैं जो हमारे उपयोग का सामान नहीं है, उपयोग की वस्तु नहीं है, उसे हम क्या मान लेते हैं, अपशिष्ट। तो वही लिखा है, अनुपयोगी या फेंक दिए पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। जैव निम्नकरणीय, इन पदार्थों का जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटन संभव है जिससे कि ये सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो फल तथा सब्जियों के छिलके, मल हो गया, मृत देह, और हम कागज भी कह सकते हैं। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ये वो पदार्थ हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जैविक क्रियाओं द्वारा इनका अपघटन संभव नहीं है। उदाहरण की बात करें तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, आपके डिटर्जेंट हो गए, आपके मेटल हो गए। अब बात आती है, जैसे कि ये अपशिष्ट पदार्थ है तो इन दोनों का ही हमारे वातावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है, इनका जो प्रभाव होगा वो कुछ समय के लिए होगा और इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि इसके प्रभाव की बात करूं जैव निम्नकरणीय पदार्थ की, तो क्या होता है, अगर कहीं कचरे का ढेर है, एक तो उससे दुर्गंध निकलती है जो आसपास के क्षेत्रीय लोगों को रहने में बहुत दिक्कत पैदा करती है, साथ ही साथ विषैली गैस जैसे कि CO2, मीथेन, ये भी उत्पन्न होती है, और तो और मक्खी मच्छरों के प्रजनन के लिए स्थान मिल जाता है जिससे जो रोग है विभिन्न वो
फैलते रहते हैं, जैसे कि हेजा हो गया, मलेरिया। अजैव निम्नकरणीय प्रभाव पदार्थ का अगर मैं बात करूं तो इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। थैली है, पानी में चली गई तो वो चौक हो जाएगी, वो नाली को क्या कर देगी, जल के प्रवाह को उसमें रोक देगी। साथ ही साथ ऐसे रसायनों के प्रयोग से क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता क्षमता है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, वो कम हो जाती है। और जब खाद्य के रूप में ऐसा जो पादप है या ऐसा जो भोजन है शरीर में जाता है मनुष्य के, तो उसके भी स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। तो बहुत आवश्यक है इस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन करना। अपने स्तर पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग करें, जैव निम्नकरणीय पदार्थ का। और साथ ही साथ अपने घरों में हम जैव और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ को अलग अलग डिब्बे में एकत्र करें, जिससे कि क्या हो, जैव निम्नकरणीय पदार्थ को हम खाद में परिवर्तित कर सके और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ को हम पुनः चक्रण के लिए फैक्ट्रियों में भेज सके। ओजोन परत तथा उसका क्षय। हमारे वातावरण में पराबैंगनी किरणें हैं, उसके प्रभाव से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के जो अणु है वो टूट के ऑक्सीजन परमाणु बना रहे हैं, और ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन अणु से संयुक्त होकर क्या बना रहा है, ओजोन, और इसी को हम कहते हैं ओजोन की परत। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, जो ऑक्सीजन अणु से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ये जो परत है, बहुत इसकी उपयोगिता है, सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये पृथ्वी पर हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकती है। लेकिन आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समूह की विषैली गैसों के कारण इस परत में क्या होता जा रहा है, छिद्र होता जा रहा है, पतली होती जा रही है, इसी को हम कहते हैं ओजोन का क्षय। अगर मैं CFCs की बात करूं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का समूह हम रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, ऑटो और इसका प्रयोग डिओड्रेंट में भी होता है। अब हम देख लेते हैं ओजोन परत की क्षति के हानिकारक प्रभाव, मतलब जो पराबैंगनी विकिरण अब आ रहा है उसके क्या प्रभाव है। सबसे पहले इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, त्वचा पर, जिससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है और तो और त्वचा झुलस रही है। दूसरा, इस विकिरण से जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। तीसरा, इससे नेत्रों में मोतियाबिंद उत्पन्न होता जा रहा है, पौधों में भी जो वृद्धि की दर होती है वो भी कैसी होती जा रही है, कम। साथ ही साथ भूमंडल पर जो वर्षा का पैटर्न है वो भी बदलता जा रहा है। इन्हीं हानिकारक प्रभावों को देखते हुए आज प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाई जा सके कि इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं। अब वैसे तो CFCs जो है वो बहुत कम प्रयोग में लाते हैं, कोई AC में प्रयोग नहीं करता, ना रेफ्रिजरेटर में, एक तरीके से बैन है। और इसके लिए 46 राष्ट्रों ने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत वो CFCs के प्रयोग को बैन कर देंगे। और अगर हमें ओजोन परत पर हानि होने से रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, CFCs का उपयोग ही ना करें, और तो और जो आजकल नाभिकीय विस्फोट हो रहे हैं उन पे भी नियंत्रण रखें, और जो हमारे सुपरसोनिक विमान हैं उनका भी उपयोग कम से कम किया जाए। अंत में गृह कार्य में आपको निम्न प्रश्नों को हल करना है। पहला, कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण लिखिए। दूसरा, एक सरल खाद्य श्रृंखला की रचना करें। तीसरा, जैविक आवर्धन क्या है। और चौथा, ओजोन परत की उपयोगिता लिखिए। धन्यवाद।